दोस्तों फोन की बैटरी पुरानी होने के बाद आपने देखा होगा बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने लगती है, बहुत जल्दी खत्म होने लगती है। लेकिन गाइस अगर आप अपने फोन की पुरानी बैटरी को लंबे समय तक चलाना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना। दोस्तों होता क्या है मैं आपको बताता हूँ, जब हमारे फोन की बैटरी पुरानी हो जाती है तो इसके जो सेल्स होते हैं वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं, उन्हें दोस्तों आपको वापस से एक्टिवेट करना है। वो एक्टिवेट कैसे होंगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपके फोन की पुरानी बैटरी एकदम नई हो जाएगी तो उसके लिए बस आप इस वीडियो को लाइक करो एंड कंटिन्यू गाइस इस वीडियो को देखते रहो। सो गाइस आइए मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप अपने फोन की जो बैटरी की सेल्स है वो डीएक्टिवेट हो गई है या फिर डेड हो गई है उसे वापस से एक्टिव करोगे एंड अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक चलाओगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको बता दूं गाइस, ये सब करने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी क्योंकि ऐसा फीचर हमारे स्मार्टफोन में नहीं दिया गया है। ये एप्लीकेशन दोस्तों आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, कैसे इंस्टॉल करोगे वो सब मैं आपको बता दूंगा, उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लो। उससे पहले गाइस मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे काम करती है एंड सच में गाइस मैंने इसे खुद टेस्ट किया है तब मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप सोच रहे हो ऐसे ही बस मैं आपको बोले जा रहा हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। प्ले स्टोर पे बहुत सारी बैटरी से रिलेटेड एप्लीकेशन है लेकिन उनमें से 10% एप्लीकेशन काम करती है, बाकी 90% एप्लीकेशन काम नहीं करती, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो सबसे पहले दोस्तों आपको इसे ओपन करना है, ओपन करने के बाद आपको यहां पे चेक बैटरी के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर जब आप क्लिक कर दोगे तो ये दोस्तों टोटल 100% तक जाएगा, मतलब कि आप देख सकते हो अभी ये फिलहाल जा रहा है, ये जैसे ही दोस्तों 100% हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि आगे आपको क्या करना है। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही 100 हो जाएगा तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे दोस्तों काफी सारी चीजें आपको ग्रीन दिखाई दे रही है लेकिन कई जगह आपको रेड और येलो दिखाई दे रही है। ये दोस्तों जो रेड और येलो है इसका मतलब ये है कि ये जो सेल है ये डीएक्टिवेट हो गई है, जिसकी वजह से आपकी बैटरी बहुत जल्दी खत्म हो जा रही है या फिर आपकी बैटरी लंबे समय तक नहीं चल रही है। तो इसे दोस्तों आपको वापस से एक्टिव करना है। एक्टिव करने के लिए दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन का सहारा लेना है एंड यहां पे दोस्तों आपको कर देना है चेक बैटरी। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक कर दोगे ये वापस से पूरा का पूरा जो सेल्स है या फिर जो भी डेड हो गई है उसे वापस से एक्टिव करता है। आप देख सकते हो ऑप्टिमाइजिंग लो चार्ज, सबसे पहले चार्जिंग को ऑप्टिमाइज करेगा एंड उसके बाद ये जो इनएक्टिव चीजें हैं उसे वापस से ऑप्टिमाइज करेगा। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो दोनों ऑप्टिमाइज हो चुकी है, उसके बाद आपको फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना है। एंड गाइस यहां पे फाइनली आप देख सकते हो हमारे फोन की जो बैटरी की हेल्थ है वो 99% हो चुकी है। आप यहां पे खुद देख सकते हो अगर आपके फोन की बैटरी की हेल्थ 99% या 100% आती है तो समझ जाइए गाइस आपके फोन की बैटरी एकदम परफेक्ट है। अगर आपके फोन की बैटरी की जो हेल्थ है वो 80% 70% आती है तो समझ जाना आपकी बैटरी की हेल्थ सही कंडीशन में नहीं है, तो आपको यहां पे आके ठीक कर लेना है। अब दोस्तों बात आती है इसे कैसे आप इंस्टॉल करोगे, तो प्ले स्टोर पे गाइस आना है, जस्ट सर्च करना है बैटरी रिकवर 2021। ये दोस्तों इस साल की बिल्कुल नई एप्लीकेशन है एंड नई होने के बावजूद गाइस रेटिंग आप देखिए 4.7 की है एंड इसे दोस्तों 1 मिलियन से ज्यादा लोग इस्तेमाल करते हैं, तो ये कितनी कमाल की एप्लीकेशन है आप सोच सकते हो। तो इसे आपको इंस्टॉल करना है एंड जैसे मैंने आपको बताया वैसे आपको करना है एंड अपने फोन की बैटरी को लंबे समय तक आपको यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। थैंक यू गाइस, बाय एंड टेक केयर।